नमस्कार मैं डॉक्टर गोपाल चक्रवर्ती आज छोटी मुंह बड़ी बात ऐसा ही कुछ लेकर आपके सामने आई हूँ दो दिन पहले मैं एक वीडियो देख रही थी जो म्यूजिक से रिलेटेड है सोनू निगम जी के साथ रणवीर अलाबादिया जो अब आजकल बहुत उनका नाम है Uh, मतलब सिक्स मिलियन के ऊपर उनका सब्सक्राइबर uh, है और सोनू निगम जी के संबंध में तो कुछ बोलने का ही नहीं है क्योंकि वो एक बहुत uh, बड़ा कलाकार है और uh, मतलब संगीत में उन्होंने काफ़ी कुछ अचीव uh, किया है उनका एक इंटरव्यू मैं देख रही थी तो उस इंटरव्यू में दो बातें मुझे थोड़ा गलत इंटरप्रिट लगा है इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा है uh, ये करीब करीब एक घंटा चालीस मिनट का वीडियो है काफ़ी कुछ उनके अपने जिंदगी के बारे में उनके लर्निंग प्रोसेस के बारे में आ, उनके पूरा अचीवमेंट के बारे में उन्होंने बताया है और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है वो कई दिनों में मतलब लाखों उसका व्यूअर्स हो गया है दो दिन के बाद मिलियन पे जा चला जाएगा शायद पर मुझे पता है कि उनके फॉलोअर्स तो बहुत हैं तो आ, उन लोग कुछ हद तक मेरे ऊपर गुस्सा भी हो सकता है लेकिन एक म्यूजिक टीचर होने के नाते मतलब मुझे लगा कि अगर हम लोग जैसे कोई नहीं कहेंगे ना तो हमारे म्यूजिक वर्ल्ड uh, के लिए जो लोग म्यूजिक सीखते हैं उनके लिए एक गलत स्टेटमेंट uh, म्यूजिक uh, जगत में जाएगा तो पहले सुन लेते हैं uh, सोनू निगम जी ने क्या कहा सुरेश जी की जी की वाइफ पद्मा एक बार मैं उनको मैंने तो मैं रियाज कर रहा था मधुबंती राग में पता नहीं मुझे पर मैं उसकी सुर में कहती है सुनी आप मधुबंती कर रहे हैं मैंने कहा हाँ आपको शुद्ध सारंग पता है मैंने बोला नहीं आप वो कीजिए आपकी माँ पहाड़ी थी ना वो राग आपको पसंद आएगा पहाड़ों वाला हाँ तो उन्होंने कहा कि मैं प्रैक्टिस कर रहा था एक दिन और सुरेश वाटकर जी के वाइफ ने मुझे कॉल किया और मैं तब मधुवंती गा रहा था तो उन्होंने पूछा क्या गा रहे हैं तो मुझे तो पता नहीं है क्या मतलब लेकिन उनको पता था इसलिए उन्होंने बोला हाँ मैं मधुवंती गा रहा हूँ तो उन्होंने बोला कि आप शुद्ध सारंग गाइए क्योंकि आपके माँ तो पहाड़ी थे आ, तो आप शुद्ध सारंग राग आपको गाना चाहिए क्योंकि पहाड़ है मुझे ना ये बात बहुत ही अटपटा लगा क्योंकि पहली बात तो यह है कि मधुवंती के साथ शुद्ध सारंग का कोई लेना देना नहीं है ठीक है चलो मधुवंती एक अलग बात है वो गा रहे थे उन्होंने शायद वो राग का नाम बताना चाहा, ठीक है और शुद्ध सारंग के साथ पहाड़ी देखिए पहाड़ी एक अलग राग है जो उपशास्त्रीय गायन में गाया जाता है ठुमरी दादरा आ, फिर धुन ज्यादातर लोग जो लोग इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं ना तो उन लोग पहाड़ी धुन में बजाते हैं या पहाड़ी राग में गाते हैं तो शुद्ध सारंग के साथ पहाड़ी का कोई लेना देना नहीं है तो फिर उन्होंने पहाड़ी मतलब पहाड़ में आपके मम्मी थे तो आपको शुद्ध सारंग गाना चाहिए अगर वो बोलते कि पहाड़ी गाने के लिए बोला तो समझ में आता है कि भाई हाँ मतलब पहाड़ में मेरे माँ पहाड़ की है पहाड़ पहाड़ी थी तो मेरे को पहाड़ी राग गाने के लिए बोला समझ में आता है। शुद्ध सारंग मैं थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो गए कि फिर मैंने थोड़ा देखा भी मैंने सोचा ये शुद्ध सारंग मैंने तो अभी तक मेरा जो लर्निंग है इतने सालों का जो रिसर्च है उसमें तो शुद्ध सारंग के साथ पहाड़ी का कोई आया नहीं अगर आप वीडियो देख रहे हैं और आप एक संगीत सीखने के प्रोसेस में है सीख रहे हैं तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि शुद्ध सारंग के साथ पहाड़ी का कोई लेना देना नहीं है उन्होंने क्यों कहा मुझे पता नहीं है इसके बाद का जो और एक स्टेटमेंट है वो भी सुन लीजिए आई लाइक टू एक्सप्लोर दिस थिंग सही बात है लेकिन जैसे uh, भातखंडे एक किताब है म्यूजिक की जो सारे म्यूजिक स्टूडेंट्स uh, पढ़ते हैं और सीखते हैं स्कूल्स में सिखाते हैं गंधर्व महाविद्यालय वहाँ पे उसके बहुत सारे uh, उनके uh, उन्होंने गंधर्व महाविद्यालय शुरू किया था भातखंडे जी ने तो वो किताबों का पूरा उनका जो है सब संगीत में आधारित है ये तो एक बहुत गलत स्टेटमेंट है अखिल भारतीय गांधर्व महाविद्यालय का स्थापना विष्णु दिगंबर पलुष्कर जी ने बनाया था ना कि भातखंड जी ने क्योंकि ये तो ये तो हिस्ट्री है ना अभी हिस्ट्री को हम अचानक चेंज कर देंगे या हिस्ट्री के बारे में कुछ गलत बोल देंगे ये तो नहीं हो सकता ना नहीं होना चाहिए वैसे उन्होंने कहा भातखंडे जी अभी भातखंडे जी का जो बुक है उन्होंने ये बराबर है ठीक बड़ा बनाया भातखंड जी का बुक है भातखंडे जी ने बहुत सारे नोटेशन बनाए थे वो तो पलुष्कर जी ने भी बनाए थे लेकिन पलुष्कर जी ने जो चीज बनाया है अखिल भारतीय गांधर्व महाविद्यालय तब 1901 में लाहौर में बनाया था तब हमारा देश विभाग नहीं हुआ था और वो तब लाहौर और मतलब पाकिस्तान इंडिया सब एक साथ था तब उन्होंने बनाया था ठीक है उसके बाद उसका जो भी कितने सारे बहुत सारे मतलब ब्रांचेस बन गया है वो अलग बात है अब भातखंडे जी ने क्या बनाया था भातखंडे जी ने बनाया था भातखंडे संगीत विद्यालय वो इलाहाबाद में बनाया था भातखंडे संगीत विद्यालय बहुत फेमस है वो इलाहाबाद में बनाया है अब देखिए उन्होंने किस तरीके से इसको पूरा अलग बोल दिया मुझे पता है कि शायद उनको नहीं मान उन्हें फ्लो में आते आते उन्होंने बोल दिया वो उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं है मुझे एक रिक्वेस्ट है आप जो लोग सुन रहे हो मुझे कि भाई अगर आपको पता नहीं है तो इस तरीके का गलत स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए क्योंकि इससे क्या होगा पता है ठीक है हमने एक बार सुन लिया सुन लिया लेकिन जो लोग म्यूज़िक ऊपर रिसर्च कर रहे हैं म्यूजिक पढ़ रहे हैं अभी सोनू निगम जी और अभी जो रणवीर है इन लोग का नाम तो बहुत हो रहा है अभी आज से बीस साल के बाद किसी ने मतलब इसका छोटा सा क्लिपिंग करके अभी तो वही चल रहा है वही पूरा वीडियो का एक घंटा एक चालीस मिनट का वीडियो का छोटा 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 पार्ट करके वो इंस्टाग्राम पे भी दे रहे हैं तो इस ये ये जो छोटा सा पार्ट है वो इंस्टाग्राम पे देंगे या किसी और प्लेटफॉर्म में देंगे और फिर आज के जो जेनरेशन है जो अभी संगीत सीख रहे हैं उन लोग तो बोलेंगे नहीं इतना बड़ा जो आर्टिस्ट ने बोला है जो इतना बड़ा कलाकार ने बोला है वही सही है तो ये ना गुमराह करने की बात है मतलब मैं मेरा ये वीडियो लाने का मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं मैं किसी का क्रिटिसाइज करूं लेकिन जो सत्य है उसको लाना और उसको लोगों तक पहुंचाना ये मेरी जिम्मेदारी है मैं महसूस करती हूं क्योंकि मैं इसके साथ जुड़ी हुई हूं मैंने अखिल भारतीय गांधर्व महाविद्यालय से ही पीएचडी किया है तो इसलिए मैंने मेरे को पढ़ना पड़ा तो बहुत कान में चुभ रहा था Uh, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हो सके तो हाँ, शायद वो नहीं करेंगे क्योंकि एक बार वीडियो बन जाने के बाद वो फिर बहुत लोग लाइक करने लगते हैं देखने लगते हैं उसको फिर एडिट करके वो फिर से वो नया तरीके नए तरीके से वो वीडियो को लॉन्च करना पड़ता है वो थोड़ा मुश्किल होता है और ये भी मुझे पता नहीं है अगर पॉसिबल होगा तो उतना पार्ट उनको एडिट करना चाहिए या तो निकाल दे या तो एडिट करे क्योंकि वो भविष्य के लिए अच्छी बात नहीं होगी गलत एक इन्फॉर्मेशन आ, समाज को जाएगा संगीत जगत को जाएगा बस इतना ही मुझे कहना था बाकी आ, तो मतलब उनके लिए कुछ कहने का हिम्मत जैसे मैंने आपको कहा छोटी मुँह बड़ी बात तो नहीं करना चाहिए लेकिन आ, आप क्षमा करें आ, अगर आप में से कोई मुझे आ, मतलब न, न, मेरे से लग रहा है कि ये क्यों बोल ले रही है तो मैं उनसे क्षमा चाहती मेरे चैनल पे अगर आपको आ, मतलब जुड़े रहना है तो आप जुड़ के रह सकते हैं नमस्कार